नमस्कार, हलचल में आपका स्वागत है। सबसे पहले नजर डालते हैं अपने शहर और आसपास की हलचल पर। फगवाड़ा के अमन नगर इलाके में एक फैक्ट्री में गैस सिलेंडर फटा, एक व्यक्ति की हुई मौत। जालंधर कमिश्नरेट पुलिस ने क्रॉस फायरिंग के दौरान चार खतरनाक गैंगस्टर्स को किया काबू, 6 पिस्तौल 26 कारतूस किए बरामद। संगरूर में चोरों ने एक डॉक्टर की दुकान को बनाया निशाना, 1,25,000 रुपयों की नकदी चोरी कर हुए फरार। और अब हलचल विस्तार से। फगवाड़ा में गैस सिलेंडर फट जाने की वजह से एक व्यक्ति की मौत हो गई। मिली जानकारी के अनुसार फगवाड़ा के अमन नगर इलाके में एक फैक्ट्री बनी हुई है, जिसमें आग बुझाने वाली नाइट्रोजन गैस के बड़े सिलेंडर से छोटे सिलेंडर में गैस भरी जा रही थी, जिस दौरान सिलेंडर फट गया। सिलेंडर फटने के बाद एक जोरदार धमाका हुआ, जिसके बाद इसकी सूचना पुलिस को दी गई। वहीं सूचना मिलते ही पुलिस अधिकारी जितेंद्र, पुलिस पार्टी सहित मौके पर पहुंच गए। उन्होंने बताया कि मृतक नौजवान की पहचान बलजीत सिंह के तौर पर हुई है। उन्होंने कहा कि फैक्ट्री में लगे सीसीटीवी कैमरों की जांच की जाएगी, जिसके बाद बनती कार्रवाई की जाएगी। इतने आए हैं जी अमरनगर, इतने ना इन्होंने फैक्ट्री लाई सी जो नाइट्रोजन अग बुझाऊ यंत्र होंगे ने, वड्डे सिलेंडर जो छोटे च भर रहे थे। जी बलजीत सिंह है, उनका हजे पता लग गया शायद उसकी डेथ हो गई। 27 साल उम्र सी, कोथड़ा का रहने वाला सी। ये मालक इन्हों का इतों पता लग्या भी साहिल कोड़ा कोई जो वर्कर है इतने कुलदीप सिंह, वो तो पता लग्या। बाकी देखते हैं कि कार्रवाई जी बनती अमर चल देखते हैं, बाकी इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। कैमरे भी लगे इतने, कैमरे तो पता लग जूगा कि मतलब कि ओवर हो गया है तो फट गया सिलेंडर। बाकी इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। एसएचओ साहब, एक सिलेंडर छोटा फटिया पे आया लगता जो अग बुझाऊ यंत्र है, की लगता भी वो हो सकता? हाँ बिल्कुल जी बिल्कुल, ये इतों अग बुझाऊ यंत्र ओवर हो गया, वो तो वड्डे तो छोटे च भरता जो फटन नाल ही होया है। अच्छा ये एक दसियो फैक्ट्री का नाम की है जी, इस तरह के कुछ समझ जी? कुछ नहीं पता, क्योंकि ये मुंडा आया इतने, बोर्ड बूड कोई नहीं लगा। बाकी इन्वेस्टिगेट कर रहे लीगल कन लीगल है, उही आप पता करा इन्वेस्टिगेट का पार्ट है, जो पता लग जाए देखा कर। जालंधर कमिश्नरेट पुलिस ने प्रेमा लाहौरिया और विक्की गोंडर गैंग से संबंध रखने वाले चार खतरनाक गैंगस्टर्स को क्रॉस फायरिंग में काबू किया है। इस संबंध में जानकारी देते हुए पुलिस कमिश्नर जालंधर स्वपन शर्मा ने बताया कि उन्हें सूचना मिली थी कि गैंगस्टर शहर में बड़ी कार्रवाई की योजना बना रहे हैं। इसी सूचना के आधार पर आबादपुरा में एक नीले रंग की एक्सयूवी में वारदात की योजना बना रहे संदिग्ध व्यक्तियों को काबू किया गया। उन्होंने बताया कि पकड़े गए आरोपियों की पहचान नवीन सैनी उर्फ चिंटू निवासी मोहल्ला हरगोबिंद नगर जालंधर, नीरज कपूर उर्फ झांगी निवासी गांधी कैंप जालंधर, किशन बाली उर्फ गंजा निवासी आबादपुरा जालंधर और विनोद जोशी निवासी सराभा नगर जालंधर के तौर पर हुई है, जिन्हें क्रॉस फायरिंग के दौरान काबू किया गया। उन्होंने बताया कि आरोपियों के पास से 6 32 बोर के पिस्तौल 26 कारतूस भी बरामद किए गए हैं। उन्होंने बताया कि पकड़े गए आरोपियों के खिलाफ पहले भी कई मामले दर्ज हैं, फिलहाल सभी आरोपियों पर मामला दर्ज कर आगे की पूछताछ की जा रही है, जिससे और भी खुलासे होने की संभावना है। ये अपना गैंग चला रहे थे, गोंडर दे नाल भी एफिलेटेड रहे हैं पास्ट, ते प्रेमा लाहौरिया जड़ा जलंधर दा उदे नाल भी रिलेटेड रहे हैं, एसोसिएट रहे हैं। ते ADCP ते ACP इन्वेस्टिगेशन दी सुपरविजन हेट CIA ਦੀ ਟੀਮ ਸਪੈਸ਼ਲ ਟੀਮ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਟਰੈਕ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਇਹ ਕਾਫੀ ਵਾਰ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਸਾਡੇ ਰਡਾਰ 'ਚ ਸੀਗੇ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੈਪ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸਲਿਪ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ ਅਤੇ 4 ਵਿਅਕਤੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋਏ ਹੈ। ਇਹ ਪਰਸੋਂ ਰਾਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਘਰ 'ਚ ਇਹ ਛੁਪੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾਣਕਾਰ ਦਾ ਘਰ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਕ੍ਰੋਸ ਫਾਇਰਿੰਗ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ, 2-3 ਗੋਲੀਆਂ ਦੋਨੋਂ ਤਰਫਾਂ ਚੱਲੀਆਂ। एक जिहड़ा गिरफ्तार किया व्यक्ति उहदा नाम चिंटू है, नवीन सैनी अलियास चिंटू। ये 2013 साढ़े थानेदार साहब का कतल होया सीगा हवेली च, उहदे च इनवॉल्व सीगा। नाल इहदे एक कृष्ण बाली है, विनोद जोशी ते नीरज जिहड़ा है उहदी दोनों लत्तां च फ्रैक्चर आ गया, वह भज्जन की कोशिश कर रहा सी, डिग गया। कुल मिला के
ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੀਨਸ ਕ੍ਰਾਈਮ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਚੇ 34 ਪਰਚੇ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਦਰਜ ਹੈ। ਸੰਗਰੂਰ ਮੇ ਚੋਰੋਂ ਕੇ ਹੌਸਲੇ ਬੁਲੰਦ ਹੈ। चोरी का ऐसा ही एक ताज़ा मामला सामने आया है, जहां चोरों ने एसएसपी कार्यालय से महज 100 गज की दूरी पर दिन दहाड़े चोरी की वारदात को अंजाम दिया। तो वहीं चोरों ने डॉक्टर की दुकान से 1,25,000 रुपये उड़ा लिए। वहीं मीडिया से बात करते हुए दुकानदार ने कहा कि वे किसी काम के लिए दुकान से बाहर गए थे, इसी दौरान चोरों ने पूरी घटना को अंजाम दिया। जब हमारी टीम ने पुलिस कर्मचारियों से बात की तो उन्होंने कहा कि वे जाँच कर रहे हैं, जल्द ही चोरों को पकड़ लिया जाएगा। सर मैं सवेरे मेरे पोता होया जी परसों, तो कल छुट्टी मिलनी सी उन्होंने, मैं इतों 1:30 बजे गया सीगा, तो मैं पैसों का अरेजमेंट किया जी, तो मिसिज का फोन आया भी तुम आ जाओ, भी डॉक्टर साहब छुट्टी देंगे। मैं कहा जी चलो मैं छोटे को आ जाता, तो उस तो मैं जो इतों 1:30 बजे गया, तो उस तो बाद मैं उत्थे गया उन्होंने को गया, जाके उन्होंने डिस्चार्ज किया। मैं चलो मैं पैसे लेके आना जाके, तो वह कहते कोई गल नहीं तुम आराम नाल आ जाओ। तो जो मैं आके देखिया तो इतों लंघन लग्या, तो शटर मेरा उपर सीगा जी, तो गेट मेरा अद्धा खुला पिया सीगा, तो मैं देखिया मैं एकदम पै भीत ज गया। तो मैं पड़ोसियों को बुलाया जी, उन्होंने दिखाया मेन गेट है जी, वो टुटिया पिया सीगा, गले से पेच गैस मार के उन्होंने गला तोड़िया, वो करीब 1.25 लाख रुपया सीगा जिहड़ा कि असी ने किरण मैडम बंदे बेटा दाखिल सीगा जी, ते उन्होंने पैसे देने। हाँ रात 6 बजे के करीब साढ़े को मेरे ख्याल इनफॉर्मेशन आई थी भी चोरी हुई है, मैं आप भी मौके पर गया सीगा, वो दुकान बंद सीगे, छोटा झगड़ा भी होया सी, मैं वो मौके पर गया सीगा। असी फुटेज लै लिया ने इहदियां, ते अज एफ आई आर लॉन्च कर रहे हैं, ते असी अपने जिहड़े सोर्सेज है वह भी लाते, ते आप भी इस कैमरे चैक कर रहे हैं सीसीटीवी कैमरे, बहुत जल्द जो चोर है ने वो सलाखों के पिछे आ। नहीं एक्चुअली एक तो दुकानदार ने जो अपना शटर जोड़ा है मेरे ख्याल खुला सगा, दूजी गल रेलवे लाइन का बहुत बड़ा फर्क पैंता गा, रेलवे लाइन क्रॉस उपर द जाना पैंता गा, थाने कोई गल नहीं, पुलिस पूरी मुस्तैद आ, तो पुलिस जोड़ा है इन्हों चोरों नप्पण के लिए जी है अपनी हर हीला वरतूगी। अमृतसर में चीफ खालसा दीवान की कमेटी की ओर से बजट पेश किया गया। इस मौके पर चीफ खालसा दीवान के प्रधान डॉक्टर इंदरबीर सिंह निज्जर की ओर से ये बजट पेश किया गया। उन्होंने कहा कि ये एक चैरिटेबल संस्था है और 169,28,00,000 रुपयों का बजट पेश किया गया है। 167 करोड़ रुपयों का उन्हें रेवेन्यू है, इस कारण ये घाटे का बजट पेश किया गया है। वहीं उन्होंने कहा कि उनके स्कूलों में कमरों की कमी है और वे चाहते हैं कि अधिक से अधिक कमरे बने और अधिक से अधिक बच्चे पढ़ने के लिए आएं। उन्होंने कहा कि वे स्पोर्ट्स लाइब्रेरी और ग्राउंड की तरफ ध्यान दे रहे हैं, जिसके चलते कुछ गांवों में ज़मीनें भी एक्वायर कर रहे हैं। वहीं उन्होंने कहा कि उनकी जो पुरानी बिल्डिंग है जैसे कि बटाला में, वहाँ काम शुरू किया गया है और उसे पूरा किया जा रहा है व कई बिल्डिंगों का निर्माण भी करवाया जा रहा है। इसके अलावा 3 स्विमिंग पूल भी बच्चों के लिए बनाए जा रहे हैं। अमृतसर से हलचल के लिए सुनील खोसला की रिपोर्ट। अज असी बजट किया जी, तो घाटे का बजट एज यूजल, क्योंकि साड़ी तो जी संस्था है चैरिटेबल संस्था है, ये कोई प्रॉफिटेबल संस्था नहीं है। सो 169 करोड़ तो 28 लाख का बजट है जी, और साढ़े जो रेवन्यू एक्सपैक्टेड है वो 167 करोड़ 83 लाख का सानू अनुमानित है। सो उदे च असी जो बहुत कुछ कर रहे हैं, असी चाहते कि साढ़े सारे स्कूलों ना इतने कमर की घाट ना हो, ताकि जोड़े बच्चे साढ़े एडमिशन नवी लै रहे हैं, असं ऐसी एक्सपैक्ट करते हैं कि 5,000 तो वह बच्चा असं दाखिल करा और अगले 2 साल की गिनती होर बढ़ानी चाहते हैं। सो साडा ध्यान जरा स्पोर्ट्स वाले आ, लाइब्रेरीज वाले आ, बाथरूम्स वाल है, रिसैप्शन वाल है, ताकि साढ़े स्कूलों की दिख जी बहुत अभी इंप्रूव हो। और असी ये बजट जरा कैपिटल एक्सपेंडिचर काफ़ी रखे है, जिसे जमीन भी से लै रहे हैं, जमीन असं लै रहे हैं, असल उतार लै रहे हैं, सुरसिंग लै रहे हैं, और उत्थे भी हुशियारपुर भी लै रहे हैं। नाल नाल असी जिहड़े पुरानी बिल्डिंगा साड़ियां शुरू हुई हुई हैं, जिवें बटाले स्कूल असी लास्ट ईयर शुरू पिछले साल शुरू किया सीगा, तो उन्हों असी अज की पूरा करना है। माननीय DGP पंजाब के आदेश पर पटियाला की स्थानीय पुलिस ने पटियाला जिला जेल के स्टाफ के साथ मिलकर करीब 150 पुलिस कर्मचारियों की टीम ने पटियाला जिला जेल में एक संयुक्त गहन तलाशी अभियान चलाया। तो वहीं उच्च पुलिस अधिकारी का कहना है कि उन्हें शिकायत मिल रही थी कि पटियाला जिला जेल में मोबाइल फोन का उपयोग और अन्य अवैध गतिविधि चल रही है।
उनका कहना है कि ये तलाशी अभियान अवैध गतिविधि को रोकने और जेल में सुरक्षित वातावरण बनाए रखने के लिए उनकी प्रतिबद्धता को मजबूत करता है। मानियो बीजेपी पंजाब आज पटियाला जेल की चेकिंग की जा रही है। ये एक ज्वाइंट सर्च कार्डन सर्च ऑपरेशन है। पटियाला पुलिस की टीम तो जेल ऑथोरिटी की टीम नाल हैगी। असी लगभग 150 पुलिस मुलाजिम के नाल पूरी जेल की चेकिंग कर रहे हैं। ये असी खास ध्यान दे रहे हैं कि प्रोपर बैरिकेड चेकिंग की जाए, क्योंकि हाल के दिनों में शिकायत आती है कि जेल में मोबाइल फोन तो आपत्तिजनक सामग्री मिलती है। इस करके साडे वाले मुहिम चलाई जा रही है, क्योंकि ये इस करके डिटरेंस इफेक्ट होता है। मैसेज जाता है कि वी आर सिक्योरिंग द जेल्स। फिरोजपुर पुलिस द्वारा चोरी और लूटपाट की वारदातों पर काबू पाने के लिए फिरोजपुर छावनी में एसएसपी फिरोजपुर के आदेशानुसार 5 जगहें नाकाबंदी कर वाहनों की चेकिंग की गई। इस दौरान इनफील्ड मोटरसाइकिल जो कि पटाखे चलाते हैं उनके चालान किए गए और कुछ गाड़ियों को जिनके पास कोई भी कागज नहीं थे उनको बंद किया गया। इस संबंधी ट्रैफिक इंचार्ज स्वर्ण सिंह ने बताया कि एसएसपी फिरोजपुर की दिशा निर्देशों पर फिरोजपुर में बुरे तत्वों के खिलाफ 5 जगह नाकाबंदी की गई है। उन्होंने बताया कि जिन वाहन चालकों के पास वाहनों के कागज पूरे नहीं थे उनके चालान काटे गए हैं और कुछ वाहनों को बंद भी किया गया है। फिरोजपुर से हलचल के लिए मनजीत सिंह की रिपोर्ट। मानयोग एसएसपी साहब के हुक्म मुताबिक अपने फिरोजपुर कैंट में स्पेशल 5 नाके लाए आ, जिदे लुटां खोह नत्थ पाउण लई और जिन्हें गड्डिया के कोई जो बुलट मोटरसाइकलों के कोई बुलटबाजी करता वो कालिया जालिया लाइया उन्होंने वो तो वह चलान कर रहे हैं और गड्डिया प्रोपर बरीकी चैक करके आज तो जरा कोई चीज़ बरामदगी होंगी वो फट के अं कैंट थाने वाले करा। अमृतसर से विधायक एवं चीफ खालसा दीवान के प्रधान डॉक्टर इंदरबीर सिंह निज्जर ने पंजाब की राजनीति में बदलाव को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए कहा कि लोगों ने हम पर भरोसा किया और हमें जिताया, लेकिन हम क्या कर रहे हैं। अगर बीजेपी इस लोकसभा चुनाव में जीती है तो ये भारत के लिए एक काला दिन होगा। उन्होंने बताया कि उनके पास भी एक विदेशी नंबर से कॉल आई थी, लेकिन वे पक्के तौर पर नहीं कह सकते कि कॉल बीजेपी की तरफ से आई थी या किसी और की तरफ से। वहीं आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर डॉक्टर निज्जर ने कहा कि वे हार नहीं मानेंगे और लड़ते रहेंगे। बीजेपी द्वारा धक्केशाही की जा रही है, बीजेपी ने कांग्रेसियों के खाते भी सीज कर दिए हैं। उन्होंने बीजेपी और अकाली दल के गठबंधन पर कहा कि गठबंधन ना हो तो अच्छा है, अकाली दल बहुत पुरानी पार्टी है जिसे मजबूत करने की जरूरत है। वहीं दूसरी तरफ उन्होंने सीएम भगवंत सिंह मान के घर बेटे के जन्म पर उन्हें बधाई भी दी। अमृतसर से हलचल के लिए सुनील खोसला की रिपोर्ट। हमारी गल है लोगों का विश्वास जीत के असी लोगों के नुमाइंदे बनते हैं और जाने लोकसभा जाने और विधानसभा जाने, फिर जो पार्टी चेंज करते हैं तो लोगों का विश्वास टुटता है और टुटा विश्वास लोग ना दुखी हो जाते हैं बहुत ज्यादा। और पंजाब के लोग तो इस करके बहुत दुखी ने, क्योंकि बहुत अदला बदली हो रही है। माड़ी गल नहीं होनी चाहिए। जिस तरह जलंधर के MLA रिंकू कहने की घुटन महसूस हो रही है आम आदमी पार्टी देखो मैं सरकार च मिनिस्टर भी रहा और 11 महीने मिनिस्टर से मैं शायद कुछ दिन बाद घट हो गए। मैं कदम किसी ने रोकया नहीं किसी काम को, मैं टोटल आजादी से टोटल फ्रीडम से मैंने मैं अपनी मर्जी ने काम करता सीगा। शायद मेरी मिनिस्ट्री यह जी कि मैं इजाजत से लोकल गवर्नमेंट बहुत बहुत फ्रीडम होंगे, मेरे को सॉयल एंड वाटर कंजर्वेशन से मेरे को पार्लियामेंट्री अफेयर से कदम किसी ने रोक टोक नहीं की तो आ की कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर जिला प्रमुख डॉक्टर सिमरन कौर, IPS के निर्देश और DSP गुरदेव सिंह के नेतृत्व में पंजाब पुलिस की तरफ से मलेरकोटला के भविन बाजारों में फ्लैग मार्च निकाला गया। ये फ्लैग मार्च दिल्ली गेट से सदर बाजार तक निकाला गया, तो वहीं ईद के त्यौहार के चलते भीड़ को देखते हुए इसका रूट बदला गया। DSP मलेरकोटला ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि उनका मकसद इस फ्लैग मार्च के जरिए लोगों के दिलों से डर को दूर करना है। वे उन्होंने बुरे तत्वों को चेतावनी दी कि वे अपनी हरकतें बंद कर दें वरना इसका परिणाम बहुत बुरा होगा। कि असी पब्बा भार हैं, असी तुहाडी सुरक्षा लई हमेशा तत्पर हाँ, हर त्यौहार पूरे चा नाल मनाए जाण। ते बाकी अज असी फ्लैग मार्च करके उन्होंने गुंडा अंसरां नूं भी इक सुनेहा देना चाहुंदे हां
कि तुम अपन गतिविधियों तो बाद आ जाओ, नहीं तो असं थोड़े खुंभ टप्पण कोई देर नहीं लावे। हम जे असी ई रिक्शा बिल्कुल बंद करते हैं तो जोड़े लोग बेचारे इन्हों ही डिपेंडेंट ने जिन्होंने सारी खरीदारी इन्हों करनी है तो वह प्रभावित हो गए। तो असी ये संबंध में साढ़े मानयोग एस एस पी साहब तो ध्यान से गल हैगी है, असी एक यूनिफॉर्मिटी बना रहे हैं कि इन्हते असी जोड़े यूनीक आई डी नंबर इन्हों देवे आने वाले दिन देखोगे कि असी इन्हों यूनीक आई डी नंबर दे के बकायदा इन्हों के नंबर जोड़े है उसी आटो के पिछले डिस्प्ले करावे। जूनियर चैंबर इंटरनेशनल एन जी ओ की ओर से जे सी आई जालंधर सिटी, जेसीआई जालंधर और जेसीआई आदमपुर प्राइड ने नेशनल वाइस प्रेसिडेंट की मल्टी एल और मीट का आयोजन जालंधर के एक निजी होटल में किया, जिनमें जालंधर और आदमपुर के सदस्य मौजूद थे। इसकी अध्यक्षता जेसीआई जालंधर सिटी के प्रधान ऋषि बब्बर ने की, तो वहीं जोन प्रेसिडेंट जेसी रितेश और नेशनल वाइस प्रेसिडेंट ईशान अग्रवाल ने अपने संबोधन में जेसीआई के बारे में बताया कि जूनियर चैंबर इंटरनेशनल युवा नेताओं और उद्यमियों का एक विश्वव्यापी संघ है, जिसके लगभग 5 लाख सक्रिय सदस्य 115 से अधिक देशों में फैले हुए हैं। उन्होंने कहा कि यह संस्था गरीब बच्चों को 5 वर्ष तक की उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति भी प्रदान करती है। वे उन्होंने बताया कि ये एक ऐसी संस्था है जिससे कोई भी जुड़ सकता है, जिसकी उम्र 18 या उससे ज़्यादा हो और अपने अंदर एक बदलाव ला सकता है, अपने समाज के लिए कुछ कर सकता है, अपने व्यवसाय को नई बुलंदियों पर ले जा सकता है। वे उन्होंने कहा कि इससे पहले ही कई लोग जुड़े हुए हैं और उन्होंने इसमें एक नया बदलाव महसूस किया है। इसमें जे सी आई जालंधर शहर के अध्यक्ष ऋषि, जे सी आई जालंधर की प्रमुख शारुजन, जेसीआई आदमपुर प्राइड के प्रमुख रविंदर सिंह, तरुण खुराना, जसमन सोमन, सुनील भल्ला, रमन कुमार, अमन चौधरी, अंकुश, हार्दिक, अमित गुप्ता, गुरेंद्र, भूपिंदर, रातेश, जयत आदि सदस्य मौजूद रहे। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन रजनीश शर्मा की रिपोर्ट। नाम जेएमजी ईशान अग्रवाल है, मैं नेशनल वाइस प्रेसिडेंट ऑफ जेसीआई इंडिया, एरिया सी का नेशनल वाइस प्रेसिडेंट हूँ जेसीआई इंडिया से। आज मैं जालंधर आया हूँ क्लासेस ऑफ जालंधर और आदमपुर पॉइंट की मीटिंग के लिए, यहाँ पे सभी मेंबर्स से मिलने के लिए। एज अ नेशनल वाइस प्रेसिडेंट हम लोग सभी मेंबर्स को मिलते हैं और मैं यहाँ के आम जनता को कहना चाहूँगा कि जेसीआई इज अ वर्ल्ड वाइड ऑर्गेनाइजेशन हु इज़ वर्किंग फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द यूथ। आप भी अगर आपके जीवन के अंदर बदलाव चाहते हैं, कम्युनिटी डेवलपमेंट की एक्टिविटीज़ में भाग लेना चाहते हैं, एक अच्छा वक्ता बनना चाहते हैं, एक अच्छा लीडर बनना चाहते हैं, एक अच्छा मैनेजमेंट स्किल्स बनना चाहते हैं, तो जे सी आई के अंदर ऐसे बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो आपके जीवन के अंदर कई गुना बदलाव ला के आपको एक उच्चतम व्यक्ति की ओर ले जा सकती है। जे सी आई जलंधर से आज हमारी मल्टी एलोमेंट्री ग्रिल फेयर में, जिस हमारे बीच नेशनल वाइस प्रेजिडेंट, जोन प्रेजिडेंट, जोन के सभी लोग, नेशनल एंड जोन के वाइस प्रेसिडेंट सारे हमारे बीच में मौजूद थे और हमने मल्टी एलो मिल के, जिसमें कि जे सी आई जलंधर सिटी एंड आदमपुर प्राइड, तीनों एलो ने मिल के एक शानदार इवेंट यहाँ पर किया है, जिसमें कि हमने न्यू मेंबर्स की इंडक्शन भी किया है, कुछ मेंबर्स को पिन दिया एंड कुछ मेंबर्स ने डोनेशन करके इस मीटिंग का लुत्फ उठाया है और हमें एन बी पी सर से बहुत अच्छी गाइडलाइंस मिली है। हमें एक बूस्टअप मिला है कि हमने इस जे सी आई को आगे कैसे बढ़ाना है। इस एनजीओ के साथ हमें जो फ़ायदा हो रहा है, जो ट्रेनिंग्स मिल रही हैं, जो हम अपने आप को अपलिफ्ट कर पा रहे हैं, वो हमने औरों के साथ भी शेयर किया एंड उम्मीद करती हूँ हम आपके साथ मिलके इस देश को और अच्छा ग्रो कर सकते हैं। सिद्ध शक्तिपीठ श्री देवी तालाब मंदिर सरोवर तटवासिनी पर स्थित विश्व मुखी माँ त्रिपुरमाली धाम में साप्ताहिक भजन संध्या करवाई गई, जिसमें सर्वप्रथम माँ त्रिपुरमाली चालीसा का गुणगान राजकुमार सैगल एंड पार्टी द्वारा किया गया, जिसके पश्चात भजन गायक कुलदीप भाटिया ने माँ भगवती के भजनों को गाकर उपस्थित माँ भक्तों को झूमने पर विवश कर दिया। माता की चौकी में मंच संचालन बलदेव आनंद ने किया। इस अवसर पर वरिष्ठ प्रधान ललित गुप्ता, कोषाध्यक्ष पविंदर बहल, पूर्व प्रधान विनोद गुप्ता, फाउंडर मेंबर सुदर्शन ज्योति, सीमा गल्होत्रा, यादव खोसला, रमन शर्मा, सौरभ शर्मा, दविंदर प्रभाकर, भारत भूषण बजाज, जगमोहन सिंह खोसला सहित असंख्य भक्तजन मौजूद रहे। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन सुदेश भगत की रिपोर्ट। प्यार तेरे नाल पालिया बुला लिया माए, प्यार तेरे
कि मंगलवार को महाराज के दरबार च पहुँच गए, माँ को आशीर्वाद लेना है, अपनी अपनी हाजिरी भरनी है। और ये मेला जड़ा है इस बार बहुत ही विशाल मेला होएगा, कि इस बार कलाकार भी जड़े ने बहुत ज़्यादा ने। और कलाकार के जो मेरी आवाज़ सुनते हो जो आए होने थे, उन्होंने बेनती भी है कि सानू पूरा कोऑपरेट करना, क्योंकि कलाकार ज़्यादा ने, जिन्ना भी थोड़े से थोड़ा टाइम लगा के अपनी हाजिरी भरन गए उन्होंने मैं बहुत धन्यवादी होवगा। क्योंकि जेडे दिल्ली तो करनाल तो या होर जगह तो कलाकार आ रहे हैं, एक एक बंदर असं उन्होंने भी हाजिरी लानी है। और असी जो जलंधर के कलाकार ने उन्होंने खासकर मेरी बेनती है कि जिमें ही थोड़ा टाइम मिले लगे उन्होंने हाजिरी लवा लो, उस तो बाद जलंधर जो कहे उन्होंने हाजिरी हर शुक्रवार लग सकती है। तो जो बाहरों कलाकार आए हैं उन्होंने मान सत्कार असं करना है और सारे की हाजिरी माँ के चरणों में लगनी है। और इस तरह तुम जानते हो कि नवरात्रों की हर शाम माँ के नाम का आयोजन जोड़ा कि 9 तरीक तो शुरू होएगा और 15 तरीक तक चलेगा, जिस बहुत उच्च कोटि के कलाकार माँ के चरणों च आके हाजिरी भरन गए, जिस कन्हैया मित्तल जी भी ने, होर साढ़े रोशन प्रिंस जी भी आ रहे हैं, उन्होंने भी हाजिरी मेले च भी होएगी। तो सारे संगत अगर बेनती है कि नवरात्र की हर शाम माँ के नाम के आयोजन तुम पहुँचना है। और 16 तरीक न मर्यादा पुरशोत्तम प्रभु राम जी का जो शोभा यात्रा है उस भी पहुँच के महाराणी का आशीरवाद लेना है, क्योंकि इसे दरबार तो ज्योति प्रवलित करते हुए और इतों ही रवानगी होएगी इस शोभा यात्रा की। यात्रा अगे अगे चलेगी, सारी संगत साड़िया भैन त्रिपुरवाली दरबार की जिन्नी भी संगत है सारे अगर बेनती है कि तुम भी माँ के दरबार जो निकल वाली इस शोभा यात्रा की शोभा को बधाना है, महाराणी का आशीर्वाद लेना है, प्रभु राम जी का आशीर्वाद भी थोड़े नाल होएगा। महाराणी महाराणी का दरबार से उन्हें अपना बनाई लिया, जिहड़ा थोड़ा बहुत काम रह जाएगा वह अभी 5 तरीक तो बाद फिर मेले तो बाद ही पूरा कंप्लीट होएगा, पर थोड़ा थोड़ा रह जाएगा। मेला जिहड़ा सी 4 तरीक नूं सवेरे 9:30 बजे महाराणी दरबार के अगे अगे हवन होएगा, क्योंकि मेरा ख्याल 2 महीने बाद महाराणी दरबार खुलना है, तो अभी कहने हवन न शुरू हो गया तो महाराणी का, तो सारे जाने हाथ जोड़ के तुहाडे अगे बेनती है वी 4 तरीक नूं सवेरे हवन ते जरूर आओ। और उस तो बाद महाराणी का दरबार खुल जाएगा, तो 5 तरीक नूं तुहाडे सारयां दा एक साथ चाहिए, जिहड़े कि सारे ही ऐरकी महाराणी के दरबार च मेले की बारी कृपा होनी है। तुसीं देखिया पिछे राम लला की मूर्ति की स्थापना जो हुई है उत्थे, तो उदों भी छोटी अयोध्या एक बनी हुई थी, इस तरह ही हुण महाराणी का मेला लगना है और लंगर सारे फिर साढ़े उधर ही लगनगे। सिद्ध शक्तिपीठ श्री देवी तला मंदिर के पावन प्रांगण से श्री राम नवमी के उपलक्ष्य में 16 अप्रैल दिन मंगलवार को सिद्ध शक्तिपीठ श्री देवी तला मंदिर से दोपहर 2 बजे निकाली जा रही भव्य शोभायात्रा के संबंध में जनसंपर्क अभियान चलाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत संपर्क अभियान टीम के अश्विनी शर्मा, रमन शर्मा, सौरभ शर्मा और मनीष शर्मा ने सर्वधर्म मंदिर तेज मोहन नगर के राजकुमार सब्रवाल, पंडित कृष्णकांत जोशी, अनिल जोशी और प्रकाशो देवी, श्री योगेश्वर शरणम मंदिर तेज मोहन नगर के संत दलजीत सिंह, गुरप्रीत कौर और सिमरन कौर, श्री कृष्ण मंदिर टैगोर नगर के पंडित राम संजीवन झा, रतन लाल प्रीतम, कौशल्या देवी, वीना रानी, हीरा लाल, गुरपाल और सचिन, श्री शिव मंदिर संत नगर अवतार नगर गली के राम शरण, विनोद कुमार, संदीप कुमार, यशपाल, बाबा कृष्ण बाली, रवि वर्मा, आकाश एवं पंडित इंद्र कुमार झा, श्री गुरु रविदास संघर्ष कमेटी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं भारतीय जनता पार्टी एससी मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष रॉबिन सांपला, अक्षय कुमार जम्मू, चंद्रमोहन एवं गौरव बाली गोरा से संपर्क साधकर उन्हें प्रचार सामग्री भेंट कर असंख्य भक्तों व सुंदर झांकियों समेत इस शोभायात्रा में शामिल होने के लिए निमंत्रण पत्र प्रदान किए। इस दौरान सभी मंदिर प्रबंधक कमेटियों के पदाधिकारियों व सदस्यों ने संपर्क अभियान की टीम को ये विश्वास दिलाया कि वे असंख्य भक्तों व सुंदर झांकियों सहित इस शोभायात्रा में भाग लेकर प्रभु श्री राम जी का आशीर्वाद प्राप्त करेंगी। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन संदीप शर्मा के साथ कुश चावला की रिपोर्ट। अपने देवी तालाब शोभा यात्रा के लिए 16 अप्रैल दिन मंगलवार हम सभी मिलकर के
मोहल्ले वासे संगत वासे धूमधाम से वहाँ शोभा यात्रा लेकर के पहुँचेंगे और प्रभु श्री राम का गुण गाएंगे। जय श्री राम। जय श्री राम। जय माता दी। हर साल की तरह विशाल भव्य शोभा यात्रा जो देवी तालाब मंदिर तो कढ़ी जाती है, मैं तुहानू सारयां नू बेनती करदा हां कि तुसीं सारयां ने अपने परिवार के नाल इस प्रभु रामचंद्र जी का आशीर्वाद लैण लई इस शोभा यात्रा में शामिल होकर प्रभु रामचंद्र का आशीर्वाद लीए। मैं अपनी भारतीय जनता पार्टी और गुरदास संघर्ष कमेटी वालों तुहानू सारयां नू लख लख वधाई दिंदा और बेनती करदा कि तुसीं सारे ही इस शोभा यात्रा तक पहुँचो। मैं अपनी संघर्ष कमेटी और अपनी पार्टी के नाल हर साल की तरह उतों आशीर्वाद लैण लई जरूर जावां। सभी सज्जनों से निवेदन है कि देवी तला मंदिर से जो शोभा यात्रा निकलेगी आपसे नम्र निवेदन हाथ जोड़ के है कि बढ़ चढ़ के उसमें भाग लें और यात्रा को सफल बनाएं। धन्यवाद। 16 अप्रैल दिन मंगलवार को देवी तला तो जी रामनवमी के उपलक्ष्य में शोभा यात्रा निकल रही है उस विच असी सारे बढ़ चढ़ के हिस्सा लवेंगे। बोलो जय सिया राम। हम कृष्णा मंदिर के सारे भक्तजन पंडित की ओर से देवी तालाब से 16 तारीख को जो शोभा यात्रा निकलने वाला है उसमें हम सारे कृष्णा मंदिर के तरफ से सारे भक्तजन बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे और देवी तालाब में मिल के रहेंगे। और अब अंत में हलचल की गतिविधियों पर एक नजर फिर से। फगवाड़ा के अमन नगर इलाके में एक फैक्ट्री में गैस सिलेंडर फटा, एक व्यक्ति की हुई मौत। जालंधर कमिश्नरेट पुलिस ने क्रॉस फायरिंग के दौरान 4 खतरनाक गैंगस्टर्स को किया काबू, 6 पिस्तौल 26 कारतूस किए बरामद। संगरूर में चोरों ने एक डॉक्टर की दुकान को बनाया निशाना, 1,25,000 रुपयों की नकदी चोरी कर हुए फरार। इसके साथ ही अब तक की गतिविधियां समाप्त होती हैं और ताजा जानकारी के लिए देखते रहिए हलचल।